और दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की आशंका, बारिश के साथ ओले पड़ने की आशंका, दक्षिणी दिल्ली फरीदाबाद में बारिश की आशंका। बिल्कुल, तो देखिए न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है और यहाँ पर अधिकतम पारा 22.6 डिग्री रहने की संभावना है। कश्मीर के बाद जम्मू में भी बर्फबारी शुरू हो गई। जम्मू के डोडा किश्तवाड़ में बर्फबारी, बर्फबारी के बाद जम्मू में ठंड बढ़ी, पहाड़ों पर आज भी बर्फबारी की आशंका। तो लगातार मौसम सर्द होता जा रहा है, जहां पहाड़ों में बर्फ गिर रही है तो मैदानों में भी शीत लहर का प्रकोप है। जम्मू के डोडा किश्तवाड़ बर्फबारी के बाद जम्मू में ठंड बढ़ी। बिल्कुल, तो देखिए बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है और आज मौसम विभाग ने कहा था कि 6 जनवरी तक लगातार बारिश होगी और आज ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहाड़ों की तस्वीरें हैं जहां पूरी तरह से सफेद चादर बिछ गई है, बर्फबारी हो रही है, तो जो मैदानी इलाके हैं वहां शीतलहर का प्रकोप है और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है और पहाड़ों में भारी बर्फबारी जारी है। अपनी स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं, पूरी सफेद चादर बर्फ ने ओढ़ ली है और ये डोडा की तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि काफी बर्फबारी हुई है, जो सारे मकान हैं, घर हैं, बर्फ से ढक चुके हैं। तो ठंड का प्रकोप जारी है, चाहे पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ शीतलहर चल रही है। तो देखिए ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर आप देखिए जहां पर बारिश और ओले गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है और साथ ही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बर्फबारी हुई है। ये दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, बारिश और ओले गिरने के अलर्ट इसको लेकर के अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने और हम पिछले दो दिनों से भी देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ये नई तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिर से बारिश शुरू हो चुकी है दिल्ली एनसीआर में, तो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और अगले 24 घंटे भी इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद जताई है मौसम विभाग ने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, दिल्ली की तस्वीरें हैं जहाँ बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है, तो ठंड का प्रकोप जारी है दिल्ली एनसीआर में। इसके साथ ही साथ पहाड़ों पर भी बर्फबारी लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बारिश शुरू हो चुकी है दिल्ली एनसीआर में। तो जी हिंदुस्तान पर मौसम का हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, कश्मीर घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है जिसके बाद धरती की इस जन्नत की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे पहाड़ी इलाकों में इस वक्त सिर्फ एक ही रंग है, वो है बर्फ का सफेद रंग। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको भी ठंड का एहसास होने लगे, लेकिन साथ ही मन में कश्मीर घाटी पहुंच जाने का ख्याल भी आ जाएगा। श्रीनगर में हुई बर्फबारी के बाद यहाँ के बोटानिकल गार्डन में पेड़ों पर बर्फ ऐसी लग रही है जैसे किसी ने पेंटिंग की हो। यहाँ के हर पौधे पर जैसे बर्फ के फूल खिले हैं और यही कारण है जो जमती बर्फ और कपाने वाली सर्दी में भी यहाँ सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और देखिए रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर का, किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन है और आज सिंघू बॉर्डर पर अहम मीटिंग होने वाली है। आज फिर किसानों की बैठक, 2 बजे तय होगा आंदोलन में आगे का प्लान। 8 जनवरी को होने वाली बैठक की बनेगी रणनीति, 6 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर भी होगा फैसला। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा, वो इसीलिए क्योंकि कल की बैठक में तो कुछ भी नहीं निकला, इसीलिए अगली तारीख दी गई और अगली तारीख में अब देखना होगा कि क्या कोई बात बनती है, लेकिन उससे पहले 6 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर के आज फैसला लिया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर आज फिर किसानों की बैठक। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सरकार किसानों की 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा, सोमवार को सरकार किसानों में नहीं बनी कोई बात, 8 जनवरी को होगी 9वें दौर की वार्ता। बिल्कुल, तो देखिए 8 जनवरी को 9वें दौर की वार्ता होगी, कानून वापसी नहीं तो फिर घर वापसी भी नहीं, किसानों ने साफ कर दिया है। किसानों ने कहा कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है, कृषि मंत्री ने कहा किसान कानून वापसी पर अड़े इसलिए हल नहीं निकल पा रहा। तो यानी सरकार का कहना है कि आप 2 कदम आगे चलिए, 2 कदम हम आगे चलते हैं, यानी ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर दोनों सुलह की तरफ जाएंगे तभी सुलह हो पाएगी।
अपने घर नहीं जाएंगे हम, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक घर नहीं जाएंगे, चाहे 10 साल लग जाए, रहेंगे तो यही रहेंगे। संघर्ष कर रहे हैं, बहुत संघर्ष तेज है, मुझे लगता है कि सरकार अब तक नहीं हमारी मान रही। हमने कौन सा उनको बोला था कि ये कानून बनाने के लिए, जहर तो जहर ही है ना, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। अब देखिए कि आखिर क्यों और कैसे बार बार किसान और सरकार की बातचीत बेनतीजा हो जाती है। बहुत उम्मीदें थी 8वें राउंड की बातचीत से, ऐसा लग रहा था कि हल निकल ही आएगा। सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार थी, लेकिन सरकार और किसान नेताओं के बीच तकरीबन 4 घंटे वाली मैराथन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और आखिरकार बातचीत की एक और नई तारीख मुकर्रर हो गई। अब 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे एक बार फिर सरकार और किसानों के नुमाइंदे बातचीत की टेबल पर आए। 8 जनवरी को 9वें राउंड। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल संवाद में समाधान की राह में भी कई रोड़े हैं। किसानों के बीच घुसपैठ कर चुके बिचौलिया नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो, क्योंकि कुछ कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि नए कृषि कानून से बिचौलियों की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, मंडियों का कमीशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। उधर विपक्ष भी आंदोलन को खत्म करने की पहल करने के बजाय लगातार किसानों को उकसा रहा है। राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर नए साल का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन वहीं बैठे बैठे पूरे दमखम से आंदोलनकारी किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कुछ घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है, सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं सिकुड़ ठिठुर कर, वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ और देखने को शेष नहीं। सही बात कह रहे हैं राहुल गांधी, किसानों को अब कुछ और देखने के लिए शेष नहीं है, पर विदेशी भूमि पर नए साल का इस्तकबाल कर रहे राहुल गांधी के लिए तो बहुत कुछ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसान इस कड़ाके की ठंड के बीच हो रही मूसलाधार बारिश को भी झेल रहे हैं। यह आंदोलन उनके लिए कतई आसान नहीं रह गया है, लेकिन बातचीत की टेबल पर पहुंचते ही किसान उसी सुर में बात करने लगते हैं। 8वें दौर की बातचीत में भी किसान अपना खाना खुद लेकर आए थे, लेकिन इस बार सरकार के मंत्री उनके साथ लंच में शामिल नहीं हुए। कुल मिलाकर बातचीत बेनतीजा रही। उम्मीद की किरण जाकर टिक गई है 8 जनवरी पर। दिल्ली की सीमाएं आंदोलन की वजह से सील है, एनसीआर का आम शहरी आंदोलन की वजह से परेशान है, अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन हल है कि निकल नहीं पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। और किसान आंदोलन पर आपको आगे की खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गाजियाबाद हादसे में मुख्यमंत्री नाराज हैं, मेरठ कमिश्नर और जीएम पर खिल सकती है गाज। मुख्यमंत्री ने दोनों ही अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण, तो गाजियाबाद हादसे में मुख्यमंत्री नाराज, ये भ्रष्टाचार का सीधा मामला था, तो योगी की नाराजगी भी सामने आ रही है। सीएम योगी ने दोनों ही अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी की गई और जिसकी वजह से 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरठ कमिश्नर और डीएम पर गिर सकती है गाज। सीएम योगी ने दोनों ही अधिकारियों से मांगा है स्पष्टीकरण, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना था। और इस पूरे मामले में तुषार हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। तुषार, ये भ्रष्टाचार का एक नमूना था और सीएम योगी ने अगर इसका संज्ञान लिया है तो डीएम और कमिश्नर पर गाज गिर सकती है। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई शमशान घाट में 25 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जमकर मेरठ कमिश्नर और डीएम गाजियाबाद को फटकार लगाई है, उनसे पूरे मामले की स्पष्टीकरण मांगा है और उनके भूमिका की भी जांच करने को कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें तो 2 महीने पहले इस लेंटर को बनाया गया और वो भरभरा के गिर गया, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई और लगभग 40 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से ये टेंडर किया गया, जिस तरह से ये लेंटर गिरा है, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे इससे पहले भी बनारस में भी देखने को मिले थे, जब पुल गिरा था जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी और कई अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी थी। अब फिर एक बार इस तरह का बड़ा हादसा हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री नाराजगी जताई है और तीनों अधिकारी जो गिरफ्तार, निहारिका सिंह ईओ, जेई और सुपरवाइजर को
तत्काल सस्पेंड कर दिया और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। वहीं अगर बात करें तो ठेकेदार अजय त्यागी के ऊपर भी 25,000 का इनाम घोषित था, जिसे देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन जो तीन अधिकारी थे ईओ जेई, इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने अब मेरठ मंडल के जो कमिश्नर है, गाजियाबाद के जो डीएम है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अब इनके ऊपर मुख्यमंत्री बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल तुषार, लेकिन देखिए अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं अजय त्यागी, उसे तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या और भी गिरफ्तारियां आज संभव है क्या, क्योंकि परिवार में बहुत गुस्सा है। बिल्कुल, देखिए परिवार में गुस्सा है, साथ ही अगर बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी बहुत गुस्सा है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने को कहा है, आईजी मेरठ को भी जांच करने को कहा है और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने को कहा है कि जैसे ही ये रिपोर्ट आती है उसमें और भी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जल्द ही अगर बात करें तो नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पालिका के अध्यक्ष, इनके ऊपर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। लेकिन मेरठ मंडल और गाजियाबाद के डीएम के ऊपर जल्द कार्रवाई हो सकती है, ये जो अपने सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल की मीटिंग में काफी नाराजगी जताई है इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ, इनका स्पष्टीकरण मांग दिया है, इनकी भूमिका की जांच करने का भी आदेश दिया है। देखिए दीपका, बहुत बड़ी बात होती है भूमिका की जांच करना, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल तुषार, भूमिका की जांच होनी चाहिए हर उस आदमी की जिसकी जिम्मेदारी थी इस भवन को बनाने की, शेड को बनाने की, और जो भ्रष्टाचार की मिसाल बनकर रह गया। वापिस लौटते हैं किसान आंदोलन की तरफ, किसानों के आंदोलन का 41वां दिन आज सिंगू बॉर्डर पर, आज फिर किसानों की बैठक 2 बजे तय होगा आंदोलन में आगे का प्लान। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, 8 जनवरी को होने वाली बैठक की रणनीति आज बनेगी, 6 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर के भी आज ही फैसला लिया जाएगा। सरकार पर दबाव बनाने के लिए तेज होगा आंदोलन, ट्रैक्टर रैली की भी तैयारी है, दोपहर 2 बजे आगे की रणनीति बनाएंगे किसान संगठन, 8 जनवरी को होने वाली बैठक की रणनीति बनेगी, 6 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर भी होगा फैसला, तो आंदोलन तेज करने की तैयारी है। और ये देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग दिन की, जहां पर कानून रद्द करने पर किसान जो है वो लगातार अड़े, कानून वापसी नहीं तो घर भी वापसी का नारा लेकर के अड़े हुए हैं किसान। और बिल्कुल ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कानून रद्द करने पर अड़े किसान, किसान नेताओं का आज मंथन, किसान आंदोलन का आज 41वां दिन, 8वें दौर की वार्ता रही बेनतीजा, 8 जनवरी को फिर होगी वार्ता। तो हिंदुस्तान पर ये 5 तस्वीरें किसान आंदोलन की सारी तस्वीर बयां कर रही है, सारी जो जानकारी है आपको इन 5 तस्वीरों के जरिए मिल रही है। और पिछली बैठक में रमन हमने देखा था कि सरकार ने जब किसानों की 2 मांगे मान ली थी तो उसके बाद किसानों का जो ट्रैक्टर रैली यात्रा निकाला था वो कैंसिल कर दिया, लेकिन कल की बैठक में कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे किसानों को संतुष्टि मिले, इसीलिए अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी 6 तारीख को लेकर। और बिल्कुल किसान आंदोलन को लेकर बातचीत की कोशिश लगातार जारी है, और ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं जो कि किसान आंदोलन की सारी बात बयां कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, सरकार किसानों की 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा, सोमवार को सरकार किसानों में नहीं बनी बात, 8 जनवरी को होगी 9वें दौर की वार्ता। और साथ ही कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं, किसानों ने साफ कह दिया है, ताली तो दोनों हाथों से बजती है, दूसरी तरफ कृषि मंत्री का ये कहना है। और साथ ही किसान कानून वापसी पर अड़े हुए हैं, इसीलिए हल नहीं निकल पा रहा। तो सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसान कानून वापसी पर अड़े हैं, किसानों ने कहा कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, जबकि सरकार का कहना है, कृषि मंत्री का कहना है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, यानी अगर सुलह की तरफ जाना है तो दोनों पक्षों को ही सुलह की तरफ आगे बढ़ना होगा, एक पक्ष किसी एक बात पर अड़ नहीं सकता, तो दोनों ही तरफ से इसमें गतिरोध नजर आ रहा है। उम्मीद है कि 8 तारीख को जब वार्ता होगी तो गतिरोध खत्म होगा और हल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से प्रत्युष हमारे सहयोगी मौजूद हैं, प्रत्युष उम्मीद है कि हल की तरफ बढ़ेंगे न कि तेज होते हुए आंदोलन की तरफ। देखिए उम्मीद तो यही है कि कम से कम बातचीत से कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कल जब बातचीत खत्म हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि देखिए किसान यूनियन से बातचीत के बाद ही 8 तारीख को हम आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, सरकार पर भरोसा किसानों को है तभी तो हम अगली राउंड की बातचीत में बैठने वाले हैं। लेकिन जब ये सवाल किया गया कि आखिर इतने दिन हो गए, इतनी तारीखें पड़ गई, क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा है, क्यों किसानों की मांग पर किसान कह रहे हैं कि सरकार आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, उन्होंने कहा कि कुछ फेस है उसको मिल बैठ के हम सुलझा लेंगे। एक बात साफ फिर से सरकार ने कह दी, कानून तो वापस नहीं होगा, और ये बात किसानों को भी समझाई गई है, एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है कानून वापसी में। हाँ, संशोधन के लिए आप मान जाइए, कल बार बार यही होता रहा कि संशोधन के लिए आप मान जाइए,
किसान नेता नहीं माने, यानी ये मान के चलिए रमन कि अगर अगली तारीख होती है तो अगली तारीख में भी कोई बहुत बड़ा फैसला आ जाएगा, अभी तक के डेवलपमेंट को देखकर लगता नहीं, यानी कि ये लंबा आंदोलन खींचने वाला है, ये सरकार भी मान चुकी है। लेकिन इस बीच ये भी देखना पड़ेगा कि इस आंदोलन में जो बात किसानों की तरफ से कही जा रही है कि हम इस आंदोलन को तेज करेंगे, बस इसमें कोई हिंसा का कोई स्थान ना हो जाए, क्योंकि हर बॉर्डर पर अच्छी खासी तादाद में किसान इकट्ठा हो चुके हैं और 6 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया है, उस ट्रैक्टर मार्च में उनका कहना है कि सैकड़ों ट्रैक्टर उस मार्च में शामिल होंगे जो हाईवे की तरफ निकलेंगे। बस ये चीज देखना है प्रशासन को, इसीलिए सतर्क कर दिया गया था लोकल इंटेलिजेंस को, हर बॉर्डर पर हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। एक तरफ सरकार और प्रशासन के सामने 26 जनवरी की भी तैयारियों की समीक्षा और साथ ही साथ वो भी एक बड़ी चुनौती और इस बीच किसान आंदोलन, यानी कि सब चीजें सरकार को देखनी है और बातचीत के टेबल पर इस मसले को सुलझाना भी है, लेकिन शायद वो पक्का फॉर्मूला क्या है वो अभी तक नहीं बन पाया, क्योंकि किसान 2 मुद्दों पर पिछली बैठक में तो सहमति कर चुके थे लेकिन अपनी मेन मांग को लेकर वो जरा सा भी टस से मस होने को तैयार नहीं है, कानून वापसी या फिर MSP पर एक्ट बनाने, इससे नीचे उनको कुछ भी मंजूर नहीं है, क्योंकि संशोधन की बात सरकार लगातार कहती रही लेकिन किसानों ने उसे फिर ठुकरा दिया। अब 8 तारीख की बैठक में भी यही होगा, यही दोनों मांगों को लेकर जाएंगे, सरकार फिर से कहेगी संशोधन के लिए आप मान जाइए, शायद फिर उस नतीजा यही हो, इसलिए जब तक कोई पक्का ठोस समाधान सरकार की तरफ से इनको नहीं दिया जाता शायद यही स्थिति बने रहेगी। रमन प्रत्युष, देखिए कृषि मंत्री ने तो कह ही दिया कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो यानी सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, तो ये मानना पड़ेगा कि जो किसान है उन्हें कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा, संशोधन पर आना पड़ेगा, वरना ये गतिरोध बना पड़ेगा, दिल्ली की दहलीज से किसानों की घर वापसी की उम्मीद कम होती चली जाएगी। देखिए किसान कह रहे हैं कि समझौता किसान क्यों करे, किसान कह रहे हैं कि हम सालों से समझौता ही करते आए हैं और सरकारें हमको इसी तरीके से हमको टालती रही हैं, लेकिन इस बार हम वापस नहीं जाएंगे। किसानों को ये लग रहा है कि अगर इस बार कोई टाइम फ्रेम सरकार की तरफ से दे दिया गया और अपने घर वो वापस चले आए तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर से आंदोलन को खड़ा करना, फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों को लेकर आना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस बार हम पक्का समाधान लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, कई किसान नेता ये भी कहते हैं कि देखिए इस तरीके से लंबा खींचने से, क्योंकि आपने देखा कई किसानों की मौत भी हो गई है इस दौरान, ठंड ज़्यादा है, बारिश अचानक से हो जा रही है, ठंड और ज़्यादा बढ़ जा रही है, मुश्किलें तो उनके सामने भी हैं लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए। लेकिन किसानों को ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर इस तरीके से वो कितने दिनों तक इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनको भी इस बात की चिंता है कि इस बीच कई सारे ऐसे अराजक तत्व हैं, उपद्रवी हैं, जो कि बीच में एंट्री मारने के लिए वो बेताब हैं, बेचैन हैं, वो भी अंदर घुस करके इस आंदोलन को दूसरी दिशा में मोड़ ना दे दे, क्योंकि वो भी कहते हैं कि अगर आंदोलन में हिंसा आया तो समझ लीजिए कि उसी दिन आंदोलन खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस मसले पर आगे बढ़ने के लिए किसान नेताओं की तरफ से और सरकार की तरफ से कम एक एक कदम अब पीछे खींचना पड़ेगा, तब जा करके ही बात बन पाएगी, यानी कि वो कदम खींचने का मतलब ये होगा कि संशोधन पर किसान एग्री हो जाए, सरकार एक तरफ से कहे कि ठीक है चलिए MSP को गारंटी बनाने के लिए जो प्रक्रिया है उस पर हम आगे बढ़ेंगे, कोई एक टाइम फ्रेम ले लीजिए, इस टाइम फ्रेम में आपके कुछ सदस्य हों कमेटी में, सरकार के सदस्य हों, और उस टाइम फ्रेम में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, लेकिन तब तक आप आंदोलन स्थल से हट जाइए। ये चीज अगर हो जाती है तो शायद जाकर ये गतिरोध खत्म होगा, इतना लंबा ये चलेगा। और प्रत्युष, ये गतिरोध खत्म होना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि मौसम भी देखिए दिन ब दिन बदलता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष, आगे भी लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। बिल्कुल, तो किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, खबरों में बने रहेंगे, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।